ट्रस्ट मी गाइज, आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो मेरे को पता क्या चाहिए, बस आपका एक लाइक बटन है। अच्छा जी हाँ, वीडियो को देखने से पहले एक लाइक बटन दबा दो, उसके बाद वीडियो को आगे देखना। दबा दिया ना? मैंने कल एक वीडियो बनाया था, फर्स्ट व्लॉग बनाने का सही तरीका, जिससे कि आपका व्लॉग वायरल हो। तो आप लोगों ने काफी प्यार दिया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मेरे को मिला, अच्छे अच्छे कमेंट्स देखने के लिए मिले। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ व्लॉग अपलोड करने का सही तरीका। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी माई फर्स्ट व्लॉग का वीडियो बना चुके हैं बट वायरल नहीं हुआ, बिकॉज अपलोड करने का सही तरीका नहीं पता है। आपको माई फर्स्ट व्लॉग अपलोड कैसे करना है सही तरीके से, वो तो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। बट अगर आपको ये नहीं पता कि बनाना कैसे है, व्लॉग को सही तरीके से शूट कैसे करना है, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप पहले ये देखो कि व्लॉग बनाने का सही तरीका क्या है, उसके बाद अपलोड करोगे तभी वायरल होगा, या इस वीडियो के बाद देख लेना। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपलोड कैसे करना है आपको माई फर्स्ट व्लॉग को। आपको YouTube पर सर्च करना है माई फर्स्ट व्लॉग। तो यहाँ पे देखो, जो माई फर्स्ट व्लॉग है वो 2 मिनट का आ रहा है, एंड 2 दिन पहले अपलोड हुआ है, 1,31,000 व्यूज। 4 दिन पहले अपलोड हुआ है, ये बंदे ने ट्रिक लगा रखी है, काफी सही व्यूज मिल रहे हैं। तो उसके बाद नीचे चलते रहो, मतलब काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों को माई फर्स्ट व्लॉग पर। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जो टॉप पे वीडियो आ रहा है ये 2 मिनट का है, तो आपका वीडियो 4 मिनट का होना चाहिए। अगर कोई वीडियो 6-7 मिनट का है तो आपका वीडियो 8 मिनट का होना चाहिए। एंड मैंने जो वीडियो बनाया माय फर्स्ट व्लॉग बनाने का सही तरीका, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपको किस तरीके से बनाना है। तो आपकी वीडियो का लेंथ उस वीडियो से ज्यादा होना चाहिए जो टॉप पे रैंक कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि अपलोड कैसे करना है। आप एक काम करो, सबसे पहले vidIQ या TubeBuddy इंस्टॉल कर लीजिए। अगर नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, अगर कर लोगे तो बहुत बेहतर है। इससे आपको पता चल जाता है कि आपने अपने व्लॉग का SEO कितना परसेंट सही किया है। अगर आपके पास लैपटॉप PC नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा 1-2 एप्लीकेशन जिससे आप कर सकते हो SEO अच्छे तरीके से। आपके पास 2 तरीके हैं, वीडियो को आप YouTube एप्लीकेशन से भी अपलोड कर सकते हो एंड Google Chrome से भी अपलोड कर सकते हो। जब आप Google Chrome से अपने फर्स्ट व्लॉग को अपलोड करोगे तो आपको टाइटल में लिखना है माई फर्स्ट व्लॉग, ये आपका कीवर्ड होना ही चाहिए। आपने टाइटल में माई फर्स्ट व्लॉग लिख दिया, उसके बाद कोई भी एक इमोजी लगा दो। अगर आपके साथ व्लॉग में अच्छा हुआ है तो हैप्पी वाला इमोजी लगा दो, कुछ बुरा हुआ है तो सैड वाला इमोजी लगा दो, ज्यादा बुरा है रोने वाला इमोजी लगा दो। तो आपको कोई भी एक इमोजी लगा देना है, उसके बाद आप टाइटल में अपने चैनल का नाम भी दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिंपल, आपको एकदम सिंपल रखना है माई फर्स्ट व्लॉग। सेकेंड, आपको डिस्क्रिप्शन में अपना टाइटल पेस्ट कर देना है, डिट्टो कॉपी मार देना है। उसके बाद आपको इंस्टाग्राम का लिंक देना है, ट्विटर, फेसबुक, जो भी आप चलाते हो उसका लिंक दे सकते हो, अपने बारे में लिख सकते हो, सिंपल आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं टैग्स के बारे में। तो टैग्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना आपके व्लॉग को वायरल कराने के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक तो टैग्स, एंड सेकंड चीज क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब आपको इस वाली वेबसाइट पर जाना है कीवर्ड टूल पर। तो यहां पे आपको कीवर्ड एंटर करना है माई फर्स्ट व्लॉग। तो जब आप यहाँ पर माई फर्स्ट व्लॉग एंटर करोगे, उसके बाद आप सर्च करोगे, आपको यहाँ पर इतने सारे टैग्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे टैग्स आ चुके हैं, और ये सारे वो टैग्स हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। यहाँ पे आपको 1-2 यूट्यूबर के नाम से भी टैग्स मिलेंगे, तो उनको भी कॉपी करके आप अपनी वीडियो के टैग्स में लगा सकते हो। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो टैग्स ऊपर आ रहे हैं उनको कॉपी करके अपनी वीडियो के टैग्स में लगा दीजिए। तो टैग्स की टेंशन खत्म हो चुकी है, आपका वीडियो प्रॉपर तरीके से SEO हो चुका है। आपने इतनी मेहनत करके टाइटल लगा दिया, डिस्क्रिप्शन लगा दिया, टैग्स लगा दिए, और आपने बहुत मेहनत करके माई फर्स्ट व्लॉग शूट भी कर लिया सही तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया। अब बात आती है थंबनेल की। आपको थंबनेल में क्या रखना है? अब आप सोचोगे कि यार थंबनेल तो प्रोफेशनल होना चाहिए तभी लोग क्लिक करेंगे। भाई मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप प्रोफेशनल थंबनेल लगाओ। आप ये मत सोचो कि किसी ग्राफिक डिजाइनर से पहले थंबनेल बनवाते हैं, उस बंदे को पे करते हैं, उसके बाद लगाएंगे। भाई मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। आप जिस चीज का वीडियो शूट करने के लिए गए थे, अपने गांव में आपने कुछ भी क्रिएट कर दिया, आप वही थंबनेल लगा दो, सीरियसली बता रहा हूं, वही आप माई फर्स्ट व्लॉग लिख दो, रोने वाला इमोजी लगा दो, हैप्पी इमोजी लगा दो, जो भी आपको लगाना है, बहुत सारे थंबनेल आपको मिल जाएंगे। एंड अगर आपके माइंड में आती है, आप 1-2 लाइन भी लिख सकते हो, ये नहीं देखा तो क्या देखा, या आप लिख सकते हो ऐसा व्लॉग
कभी नहीं देखा होगा। मतलब एक दो लाइन ऐसी लिखनी है जिससे कि लोग क्लिक करने पर मजबूर हो जाएं। और आपने जितनी मेहनत टाइटल थंबनेल टैग्स लगाने में करी है, एसईओ करने में लगाई है, उतनी ही मेहनत आपको थंबनेल क्रिएट करने में लगानी पड़ेगी। मतलब आपको थंबनेल अच्छे तरीके से बनाना है। कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि थंबनेल बनाने में घंटों लग जाएंगे। आप नॉर्मली कोई भी थंबनेल बना सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मोबाइल को किसी गोरिल्ला पॉड पे लगाओ या किसी ट्राइपॉड पे लगाओ, आपके पास नहीं है किसी दोस्त का ले लो, उसके बाद ऐसे करके किसी से फोटो खिंचवा लो, उसको थंबनेल में लगाओ, ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको थंबनेल के आइडियाज यूट्यूब पर मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड SEO करना मैंने आपको बता दिया, तब आपको वीडियो को अपलोड कर देना है, फिर देखना आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ट्रस्ट मी, ये जो मैंने आपको आइडिया दिया इसको एक बार फॉलो करो, आपको गारंटेड व्यूज मिलेंगे। और हाँ, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, माय फर्स्ट लोग अपलोड करते हैं, वायरल नहीं होता, डिलीट कर देते हैं, दूसरे दिन करते हैं, तीसरे दिन करते हैं। आप अगर सेम व्लॉग को अपलोड करके डिलीट करते रहोगे तो भाई कोई फायदा नहीं है। उसके बाद आप उसमें कुछ चेंजेस तो करो। तो अब इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं जिसकी वजह से आपका वो लोग ज्यादा वायरल होता है, ज्यादा इंप्रेशन आते हैं, वो है ऑडियंस रिटेंशन। अगर आपके वो लोग पर, मान लो आपका वो लोग 8 मिनट का है, अगर 4 मिनट या 3.5 मिनट या 3 मिनट भी अगर लोग उस व्लॉग को देख रहे हैं, आप अपने वीडियो के एनालिटिक्स में जाकर रीच पे क्लिक करके इंप्रेशन देख लेना, हजारों में होंगे, सही बता रहा हूँ। बस आपकी वीडियो पर 40-50% के बीच में ऑडियंस रिटेंशन रहना चाहिए। अगर आपका 1 मिनट का वो लोग है और ऑडियंस रिटेंशन 90% रहता है या 80% रहता है, तब जाकर आपको ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और 8 मिनट की वीडियो पर 40-50% भी ऑडियंस रिटेंशन रहा, तब भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाएगा, सही बता रहा हूँ। एंड ज्यादा व्यूज आपको लॉन्ग वीडियो पर ही मिलने के चांस रहेंगे। और अगर आप शॉर्ट अपलोड करते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हो, माय फर्स्ट व्लॉग, तो उसको वायरल करके क्या ही करोगे। तो मैंने आपको जो मेथड बताया, आप इस मेथड से व्लॉग अपलोड करो तो ज्यादा चांस है व्लॉग वायरल होने के। तो अगर आपको इस टॉपिक पर और भी कोई वीडियो चाहिए, कमेंट कर देना, तुम्हारा भाई बना देगा, आपके लिए तो बैठा हूँ। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करके तब जाना है।